इन दिनों भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भाजपा में अंतर्कलह जारी है। जिला अध्यक्ष श्रवण राय की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नाराज भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष पर पार्टी को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए आज रणधीर वर्मा चौक पर हवन कार्यक्रम आयोजित किया है। वहीं जिला अध्यक्ष श्रवण राय के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। मौके पर हवन करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिला कमेटी के गठन के दौरान व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, पैसे लेकर पद बांटे गए हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी नाराज भाजपाइयों ने बैठक कर जिला अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा चुके हैं। विगत कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। निश्चित तौर पर पार्टी का आधार बढ़ रहा है, परंतु इसका लाभ लेने के लिए कुछ लोग जो हैं ताबड़तोड़ लगे हुए हैं, और इस हड़बड़ी में कुछ ऐसे लोगों को दायित्व दे दिया गया है जो नहीं मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो विसंगतियां आ गई है, जो कमियां आ गई है, गंदगी जो आ गया है, उसके खिलाफ आज उसे शुद्ध करने के लिए आज हम सब जो है शुद्धिकरण हवन का आयोजन किए हैं, और इससे उनके जो उनको सद्बुद्धि दे भगवान, इसका हम प्रार्थना करेंगे।